हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि मनी प्लांट के लिए कौन कौन से होममेड फर्टिलाइजर्स हैं जो अच्छे रहते हैं, और इनमें मैं चार पांच तरह के, पांच क्या सात आठ तरह के फर्टिलाइजर्स की बात करूंगी जो हमारे घर में, हमारे किचन से निकलते हैं, और उनको हम अपने मनी प्लांट में डाल के। और मनी प्लांट, ये देखिए, आपको एक चीज़ दिखाऊं, एस्पेरेगस का देखिए कितना लंबा ब्रांच ग्रो कर रही है। देखिए, गमले से 2-3 फीट की होगी है। तो हम अपने किचन में से निकाल के उनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र जो है, थोड़े थोड़े हर हफ्ते इनमें कभी कोई डाल दिया, कभी कोई डाल दिया, वो डालते रहे तो हमारी मनी प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। मनी प्लांट आप लोग भी सब जानते हैं कि ये हम अपनी, इसकी लीव्स के लिए उगाया जाता है। तो इसको कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जो हमारे किचन से निकलता है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो और स्पेशली नाइट्रोजन अच्छी क्वांटिटी में हो, वो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके पत्तों को चमक देता है, पत्तों के साइज को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। तो अब हम शुरू करते हैं इसके लिए, हम कौन कौन से फर्टिलाइजर्स इसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो एक तो ये किचन वाला नहीं है, बता दूं, जो हम खाद डालते हैं ना इसमें साल में दो बार, फरवरी में और सितंबर में, एक तो वो इसके लिए बहुत अच्छी होती है। उसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन अच्छी क्वांटिटी में होता है। अब हम जब किचन की बात करते हैं या घर में और कहीं से निकलने वाले फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो जो लोग एग खाते हैं, वो एग शेल होते हैं ना, एग के जो छिलके होते हैं, उसको पानी में बॉईल करके उसका पानी इसको दे सकते हैं। जैसे बॉईल करते हैं एग, तो उसका पानी, वो जो बॉईल करते हैं एग, वो वाला पानी है, वो आप मनी प्लांट को दीजिए, आपका मनी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और कई बार हम लोग स्पेशली करते हैं, मेरे को लगता है बाकी लोग भी बहुत करते होंगे, रात को जो बादाम को भिगोते हैं, बादाम और अखरोट भिगोते हैं, उसका पानी जो है वो आप अपने मनी प्लांट में डालिए। चाहे पानी में उगाया हुआ है उसमें भी डाल सकते हैं, वो इसकी ग्रोथ को बहुत बढ़ाता है। और एक्वेरियम जिनके यहाँ है, फिश पाली हुई है जिन्होंने, वो तो बहुत अच्छा होता है एक्वेरियम का पानी। उसमें नाइट्रोजन भी होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, सब होते हैं, बहुत हेल्दी होता है वो पानी आपके सभी प्लांट्स के लिए, मनी प्लांट के लिए भी और बाकी भी आपके घर में जितने प्लांट्स हैं। अगर आपके आसपास भी किसी के यहाँ एक्वेरियम है और वो पानी जब बदलते हैं उसका, तो वो पानी आप ले आएँ और वो डाइल्यूट करके, जैसे एक बाल्टी में एक डब्बा या दो डेढ़ डब्बा उस पानी का डाल के, और वो पानी आप अपने पौधों को दें, वो पानी मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, खूब लश ग्रीन हो जाता है और बहुत खूबसूरत हो जाता है उससे ये। अच्छा, फिर जो हम पोटैटोज बॉयल करते हैं घर में, आलू बॉयल करते हैं ना, बॉयल करने के बाद जो पानी बचता है वो बहुत पोटेशियम रिच होता है वो पानी, वो इसको दें, बहुत अच्छा होता है। राइस को कुक करते हैं हम, जैसे एक उसका राइस का पानी जो मांड निकालते हैं वो निकल जाता है, उसको डाइल्यूट करके आप इसको दें, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें स्टार्च भी होता है, वो बहुत अच्छा पानी है, वो उससे भी मनी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। और जो कॉफ़ी दुकानदार बनाते हैं ना कॉफ़ी, जैसे मैं लेके आती हूँ कौन से कॉफ़ी डे से, कैफ़े कॉफ़ी डे से, जब भी मैं जाती हूँ वहाँ से उनसे, या और भी कोई कॉफ़ी की शॉप जहाँ पर कि कॉफ़ी ग्राउंड्स मिल जाते हैं, वो कॉफ़ी बनाने के बाद जैसे चाय पत्ती का हमें बाद में वेस्ट चाय पत्ती मिलती है ना, ऐसे ही कॉफ़ी ग्राउंड्स मिलते हैं उनके यहाँ, कॉफ़ी बनाने के बाद वो एक्स्ट्रा वेस्ट मिलता है, वो बहुत नाइट्रोजन रिच होता है, वो ला के आप इसमें डाल सकते हैं अपने मनी प्लांट में। या घर में भी कई बार मशीन से हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं बीन्स डाल के, तो कॉफ़ी का जो ग्राउंड नीचे बचते हैं वेस्ट, वो इसमें डाल सकते हैं। या वैसे भी आप थोड़ी सी कॉफ़ी को ना हल्का सा बॉइल्ड वाटर में कॉफ़ी को भिगो के और उसको ठंडा कर लें और वो पानी भी इसमें डालेंगे, तो कॉफ़ी में नाइट्रोजन बहुत होता है, वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही जो आपके हमारे चाय बनाते हैं, जो चाय पत्ती बच जाती है उसको धो के सुखा लें और वो चाय पत्ती भी इसमें डालें मनी प्लांट में, लेकिन वो अच्छी तरह से सुखा के डालें, वो बहुत अच्छी है इसकी ग्रोथ के लिए, उसमें नाइट्रोजन होता है बहुत अच्छा। ग्रीन टी हम लोग पीते हैं, तो ग्रीन टी बैग्स जो होते हैं
एक बार जैसे पी ली, वेस्ट जो ग्रीन टी बैग्स हैं या तो उनको खोल के फाड़ के डायरेक्ट ग्रीन टी को इसके मिट्टी में डाल दें मनी प्लांट की, या फिर उनको थोड़ा और बॉयल कर लें थोड़े और एक्स्ट्रा पानी में और उसका पानी इसमें डाल दें, उसमें बहुत नाइट्रोजन होती है, वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और जो भी सब्जियां जब हम बनाते हैं तो छिलके सब्जियों के इकट्ठे हो जाते हैं, आप देखते हैं जैसे हमने टिंडे लिए, लौकी है, कद्दू है, कोई भी ऐसी चीज़ है, प्याज और लहसुन को छोड़कर बाकी जो भी सब्जियां होती हैं उनके जो छिलके निकलते हैं उनको आप बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद ठंडा करके उसका पानी दें। कई लोग मैंने देखा है कई वीडियोस में देखते हैं कि वो जो छिलके होते हैं उनको मिक्सी में पीस के उसका पानी दें, ऐसा आप कभी भी मत करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनके अंदर कोई भी जो अगर कोई पैथोजन है, कोई इंसेक्ट है, कोई फंगस है, तो वो आपके पौधे में उल्टा चली जाएगी। हमेशा जब भी दें बॉयल करके उनका पानी दें, उससे वो कोई उसमें अगर हुआ चीज़ तो वो मर जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आपको जो आप पानी देंगे वो बिल्कुल न्यूट्रिटिव और शुद्ध होगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता। एक चीज़ है एप्सम सॉल्ट, ये आपको घर में नहीं मिलेगा किचन में, एप्सम सॉल्ट आपको बाजार से लेना पड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फेट कह के भी आप ले सकते हैं, जो जो आपको मिलती है ना एग्रीकल्चर शॉप्स होती है ना, ये देखिए ज़्यादा आजकल गर्मी है तो इसकी टिप्स जो है ड्राई, थोड़ा पानी भी मेरा नहीं दे पाई मैं 2 दिन, क्योंकि हमारी पानी की मोटर खराब हो गई थी, कल परसों 2 दिन शायद पानी नहीं दिया मैंने। तो एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट नाम से आप ले सकते हैं, तो वो एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में 1 चम्मच छोटा चाय का एप्सम सॉल्ट को भिगो के डिसॉल्व करके वो पानी भी इसके पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं और इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं महीने में एक बार। वो उसमें मैग्नीशियम होता है जो कि तो उसमें जो है क्लोरोफिल इस जो ग्रीन बनाता है ना पौधों को, क्लोरोफिल जो होता है वो उसको बनाने में हेल्प करता है मैग्नीशियम। तो जितना ज़्यादा क्लोरोफिल बनेगा पत्तियों में उतनी पत्तियाँ ज़्यादा लश ग्रीन दिखेंगी और उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगी और पौधों को खाना भी उतना ज़्यादा मिलेगा और पौधा ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो महीने में एक बार ये आज चीज़ जो है रसोई से नहीं मिलेगी आपको, ये आपको खरीद के लानी पड़ेगी बाजार से। एप्सम सॉल्ट ले आए, महीने में एक बार देना है बस, और ज़रूरी नहीं है कि एप्सम सॉल्ट जरूर ही देना है आपको। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जब भी जैसे कभी आपको छिलके हुए बॉयल किया उसका पानी दे दिया, कभी आपको ग्रीन टी दिख रही है वो दे दी, जो चीज़ जब अवेलेबल है उस टाइम वो चीज़ आप दे सकते हैं। फिर आप बनाना के जो छिलके होते हैं ना, बनाना के छिलके जैसे आपने बनाना जो है वो आपके घर में आए उसके छिलके होते हैं, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि बनाना के छिलकों को पानी में भिगो दें और उसको 5-7-10 दिन भिगा रहने दें, उसका पानी दें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि बनाना के जो छिलके होते हैं, अरे आप दूसरा बात आप ये भी कर सकते हो कि बनाना के जो छिलके हैं उनको बॉयल कर लें आप अच्छी तरह पानी में, बॉयल करके वो वाला पानी ठंडा करके वो भी दे सकते हैं, उसमें पोटेशियम भी होता है और भी बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है और वो भी पौधे के लिए आपके मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो इतने सारे मैंने आपको फर्टिलाइजर्स बताए हैं, इनमें से कोई भी फर्टिलाइजर कभी भी आप अपने मनी प्लांट को दे सकते हैं। जैसे आज छिलके दिख रहे हैं उनको बॉयल कर लिया, चाय की पत्ती को सूखी हुई है सुखा ली है वो दे दी, एक एक मुट्ठी, बड़ा गमला है तो 1 मुट्ठी दे दी, छोटा है तो 2-4 चम्मच दे दी, और कॉफ़ी ग्राउंड अगर आप बाजार गए हैं मिल गए या घर में ही हैं मन किया कॉफ़ी का पानी बॉयल करके ठंडा करके वो दे दिया, तो कभी भी कुछ भी आप दे सकते हैं। और ये सारी फर्टिलाइजर्स आपके मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, उसके कलर को अच्छा करेंगे और पत्तियों को बड़ा करने में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे से अब कुछ भी ये आप अपने पौधों को मनी प्लांट को दे सकते हैं उसका उसको सुंदर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।